पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा को पुत्र शोक और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुंचे हैं। रोहिताश्व शर्मा के निवास पर परिजनों से जताई है संवेदना और यूआईटी अलवर पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर शहर एमएलए संजय शर्मा ने भी जताई है संवेदना। तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं परिजनों को सांत्वना देने के लिए। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के बेटे का कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था और इसी वजह से शोक संपत परिवार को सांत्वना देने के लिए ये तमाम नेता एक एक करके पहुंच रहे हैं। कल सीईसी सुनील अरोड़ा भी पहुंचे थे यहां पर, उन्होंने भी संवेदना जाहिर की थी। और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी पहुंचे हैं रोहिताश्व शर्मा के निवास पर। इस दौरान यूआईटी अलवर पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर शहर एमएलए संजय शर्मा ने भी संवेदना जाहिर की है। तो रोहिताश्व शर्मा के बेटे का कुछ दिन पहले निधन हो गया था और इसी वजह से एक एक करके ये तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो पहुंच रहे हैं शोक संवेदना जाहिर करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं फिलहाल परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए। यूआईटी अलवर पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर शहर एमएलए संजय शर्मा ने भी संवेदना जाहिर की है। कल सीईसी सुनील अरोड़ा यहां पर पहुंचे थे, इससे पहले एक एक करके तमाम नेता शोक जाहिर करने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। और आप चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहां पहुंचे हुए हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। तो डॉक्टर रोहिताश्व शर्मा के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां शोक व्यक्त करने के लिए, संवेदना जाहिर करने के लिए पहुंचे हुए हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। तो रोहिताश्व शर्मा के बेटे का कुछ दिन पहले निधन हो गया था और इसी वजह से शोक सभा का यह आयोजन रखा गया है जिसमें कई गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं परिवार को ढांढस बंधाने के लिए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को आप देख रहे हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। रोहिताश्व शर्मा के निवास पर इस दौरान उनके साथ यूआईटी अलवर पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, अलवर शहर एमएलए संजय शर्मा भी मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। अश्विनी, एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो पहुंच रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए और अब हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री भी वहां पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर दिव्या, डॉक्टर रोहिता शर्मा को कह सकते हैं कि उनके संबंध पार्टी लाइन से कहीं ऊपर है, कांग्रेस भाजपा या दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं नेता हैं वर्तमान सरकार में जो मंत्री हैं वो सब लगातार उनका पहुंचना जारी है परिवार को संवेदना देने के लिए, सांत्वना जताने के लिए वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। आज इतने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा यहाँ पहुंचे हैं, धर्मेंद्र राठौड़ यहाँ पर हैं, राजेंद्र यादव जो राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव जो है वो यहाँ पर हैं, विधायक बलजीत यादव और संजय शर्मा वो अभी संवेदना जताने यहाँ पहुंचे हैं।
यूं कह सकते हैं काफी संख्या में लोग लगातार उनका आना जाना जारी है। जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत राज और स्थानीय प्रतिनिधि जो हैं उनका भी लगातार यहाँ जारी है। 43 साल की उम्र में इनके बेटे राजेश शर्मा का निधन हो गया था। लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थे और जयपुर के अटनल हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनका निधन के बाद पास में ही जो पैतृक गांव खरखड़ा है वहां अंतिम संस्कार किया गया था और भैरोड़ निवास पर ये बैठक अभी चल रही है जो लगातार यहाँ जारी है। जिस तरह मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद अंतिम संस्कार के दिन यहाँ पहुंची थी, सीईसी सुनील अरोड़ा कल यहाँ आए थे, कैग सीएजी जो हैं राजीव महर्षि का यहाँ आना हुआ, तो ये कह सकते हैं कि लगातार राजनेताओं का, अधिकारियों का, बड़े अधिकारियों का डॉक्टर रोहिता शर्मा के घर आना हो रहा है संवेदना जताने के लिए उनके बेटे के निधन पर। कितनी देर वो यहाँ रुकेंगे चिकित्सा मंत्री, फिलहाल कोई जानकारी? देखिए ये शोक के लिए आए हैं तो लगभग माना जाता है कि 20-25 मिनट रुकना होता है ऐसे में, और बातचीत अभी डॉक्टर रोहिता शर्मा और रघु शर्मा कर रहे हैं। कई सारी चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए।